ब्रिजेश सिंह भोला फौजी बीएसएफ में 22 वर्ष सेवाएं देकर सेवानिवृत्त होकर नरवर मगरोनी पहुंचे, जहां क्षेत्रवासियों ने ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व स्वागत किया। भोला फौजी को नगरवासियों ने तिरंगे झंडे लगे वाहन में बैठाकर गाजे बाजे और डीजे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली, जिसकी अगुवाई एनसीसी कैडेट द्वारा की गई। सर्वप्रथम मगरोनी से स्वागत समारोह होता हुआ नरवर पहुंचा, जहां समूचे नगर में जगह जगह पूरे रास्ते देशभक्ति के गीत और जय हिंद के नारे गूंजते रहे। लहराते तिरंगों के बीच भारत माता जय हिंद और वंदे मातरम के जयकारों से पूरे नगर नरवर का वातावरण राष्ट्रीय भावना से गूंजायमान रहा। स्वागत जुलूस नगर के थाना तहसील नया बस स्टैंड होते हुए गांधी स्मारक पहुंचा। यहां फौजी द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर सदर बाजार होता हुआ स्वागत काफिला का जुलूस पेट्रोल पंप स्थित अंबेडकर भवन पहुंचा, जहां मंच सजाकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री दर्जा जसवंत जाटव, विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री दर्जा प्रहलाद भारती ने भोला भाई फौजी का तिलक कर फूल माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। अभिनंदन समारोह के कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ शिक्षक धनीराम कुशवाहा के द्वारा किया गया। अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, वाकई में आपका प्रश्न भी अच्छा है और ये आज का दिन भी ऐतिहासिक है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी फौजी का पूरे नगर के द्वारा इतना आत्मीय स्वागत होते हुए देखा। वाकई में मैं नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबसे खासकर हमारे भाई ब्रिजेश सिंह भोला फौजी को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। ये आज जो भारत माता की सेवा का काम फौज में रहकर कर रहे थे, आज से सेवा निवृत्त होकर आज नरवर पधारे हैं, तो मैं पूरे नगरवासियों की ओर से मैं भी आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन आप फौज से सेवानिवृत्त हुए हैं, आप अपने मानवीय सरोकार हैं, अभी उनसे उसमें आप एक नया कदम रखेंगे। मैं हमने देता हूँ कि आप अपने मानवीय सरोकार में जो भी संकल्प लेकर आप आए हैं समाज के बीच में, आप उसमें उत्तर उत्तर प्रगति करेंगे, आपको प्रगति मिलेगी, आपको और आप लोगों के साथ जुड़कर देश की सेवा के साथ साथ समाज की सेवा करने का काम आपको मिलेगा। भोला फौजी एक चर्चित नाम है, विगत 5 वर्षों से लगातार लोगों के अपनी छुट्टियों में आते हुए अपने लोगों में समाज सामाजिक सरोकार के कार्य ये करते रहे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इनके बढ़कर काम किया है और आज भी इनको अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन सभी क्षेत्रों में काम करेंगे। मैं अभिभूत हूँ कि हमारे ही अपने क्षेत्र का इन्होंने देश में नाम रोशन करने का काम किया, वो आज समाज में नाम रोशन करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। और ऐतिहासिक और अविस्मरणीय स्वागत अभिनंदन वंदन यहाँ नरवर मगरोनी के क्षेत्रवासियों द्वारा किया गया है, आपको कैसा अनुभव हुआ? मैं पहले तो सभी मीडिया बंधु का और क्षेत्र से आए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ये सम्मान नरवर की मातृभूमि से जो यहाँ के जन समूह और सभी प्रियजनों ने बढ़ चढ़ कर दिया है, ये सम्मान मेरा ही नहीं, ये सरहदों पर खड़े लाखों जवानों का सम्मान है। और जब ये मैसेज उन तक पहुँचेगा तो भी गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। मैं इस स्वागत और उसके लिए पूरे नगरवासियों